जल्द इंतखाबात वक्त की जरूरत है। हकूमती इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि हकूमत मजीद चली तो नुकसान होगा, मुल्क बहरान का शिकार है, हम तारीखी जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं, हकूमती हथकंडे हमें रोक नहीं सकते। पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम ना घरों में बैठेंगे और ना ही मुल्क से बाहर जाएंगे। आज भी पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का सामना कर रहा है, जो इंतजामी बहरान भी है, जो सियासी बहरान भी है, जो मुआशी बहरान भी है, जो आईनी बहरान भी है, और इस वक्त खारजा पॉलिसी का बहरान भी है। हुकूमत का इरादा यही है कि वो हमारी एक तरफ नैब की कार्रवाइयों के जरिए, मीडिया की के अंदर हमारी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करानी है उसके जरिए, और अब सियासी सरगर्मियों को रोक के वो अपोजिशन को कॉर्नर करने के मूड में है। ऐसे ना पीपल्स पार्टी रुकी है, ना हमें बाकी हथकंडे रोक सके हैं, ना हमें हुकूमत के ये हथकंडे भी रोक सकेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को सीरियसली एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के पाकिस्तान को बहरानों के हल दिए हैं और बहरान से निकाला है। आज भी पीपल्स पार्टी अपनी तारीखी जिम्मेदारी अदा करने जा रही है। अगर वो चाहते हैं कि ये आवाज़ बंद हो जाए, खामोश हो जाए, किसी इश्यूज़ पे ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कल बता दिया कि सिर्फ वो हर इश्यूज़ पे बोल रहे हैं, बाकी सारे लीडर्स जो हैं कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, लेकिन बिलावल भुट्टो इस मुल्क के मजदूरों, किसानों, नौजवानों, इस मुल्क के आईनी हकूक का, कश्मीर का इशू होगा, हर इशू पर बोले हैं और बोलते रहेंगे।